बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बेसिक मेकओवर वीडियो। ऑल्दो ये काफी बेसिक है बट इस मेकओवर ने मेरे पूरे घर को मतलब एकदम से चेंज कर दिया है। मतलब मेरे पूरे लिविंग रूम को, नॉट घर को, मेरे लिविंग रूम को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। मतलब इट्स लाइक अ 0 to 100 वाले जो लुक्स नहीं होते हैं उस तरह से ये 360 degree पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस मेकओवर में मैंने लिटरली ज्यादा खर्चा नहीं किया है। बेसिक जो चीजें थी सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी था, सिर्फ मैंने कुछ कुशन कवर्स ऐड किए हैं, 4 or 5 कुशन कवर्स ऐड किए हैं एंड छोटी मोटी चीजें ऐड करी हैं। एंड सिर्फ मैंने मेरा एक जो एग्जिस्टिंग डाइनिंग टेबल था उसको कन्वर्ट करके फोल्डेबल डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखिएगा कि मैंने किस तरह से उसको चेंज किया है। इस वीडियो को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा रिसर्च, उसके बाद आएंगे हम सेकेंड पार्ट पे, तो सेकेंड पार्ट होगा प्लेसमेंट ऑफ माई फर्नीचर, फर्नीचर का प्लेसमेंट कैसे कहाँ कहाँ किया है वो। एंड थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा शॉपिंग, शॉपिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सी चीज मैंने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, वो बजटिंग टाइप ऑफ रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। एंड देन फोर्थ पार्ट रहेगा डीआईवाई, मतलब डू इट योरसेल्फ। ऑल्दो ये पूरा घर ही, ये पूरा रूम ही डीआईवाई है, ये सब कुछ मैंने ही किया है, तो लेकिन जो पर्टिकुलर यू नो डेकोरेशन पीसेस वाला डीआईवाई होता है वो वाला डीआईवाई। देन जो फिफ्थ पार्ट होगा वो होगा बिफोर एंड आफ्टर लुक। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक मीशो, आवर ब्रांड पार्टनर्स फॉर दिस वीडियो इज मीशो। अगर आप नहीं जानते मीशो क्या है, तो मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है जहां पर आप घर बैठ करके ही अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद 0 investment। यस, और आपको इसमें करना कुछ नहीं है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। बहुत ही सिंपल सी यूजर फ्रेंडली ऐप है, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसमें काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मेंस क्लोथिंग, वेमेन क्लोथिंग, आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, देन आपके यू नो फुटवेयर हैं, बहुत अलग अलग ज्वेलरीज हैं, अलग 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 होम डेकोर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप अच्छे से ऐप को गो थ्रू करिए डाउनलोड करने के बाद, एंड जब आप समझ लें कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, आप किस तरह के प्रोडक्ट को आपको रीसेल करना है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए। आपकी शेयर की हुई लिंक के थ्रू आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर ने शॉपिंग किया है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है आप अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 रुपए रख सकते हैं, आप चाहे तो 150 रुपए रख सकते हैं, आप चाहे तो 200 रुपए रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। काफी सारे लोग इसको कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, उनको एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम मिल गई है, बहुत सारे लोगों की ये प्राइमरी इनकम भी बन चुकी है। सो मेक श्योर कि आप एक बार ट्राई जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा। एंड या विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द मेन वीडियो। नाउ कमिंग टू रिसर्च, यहाँ पर मैं सबसे पहले पिंट्रेस्ट पे जाकर के जो मैंने कलर थीम सोची है वो मैं थोड़े से आइडियाज़ लूँगी एंड कौन सा कलर किसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जाएगा उसके थोड़े से आइडियाज़ देखूंगी एंड देन कुछ DIY के आइडियाज़ देखूंगी और मेरे घर के लिए वो सूटेबल होता है कि नहीं होता है, मेरे बजट में होता है कि नहीं होता है, वो सब मैं देखती हूँ। तो इस पर भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं। एंड जब मुझे मेरा जो परफेक्ट इंस्पिरेशन है वो मुझे मिल जाएगा देन उसके अकॉर्डिंग मैं अपने घर का फिर लेआउट बना रही हूँ। एंड लेआउट से क्या होता है क्योंकि इस बार मैं फर्नीचर प्लेसमेंट चेंज कर रही हूँ तो इससे काफ़ी ईजी हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि आपका घर कैसा लगने वाला है और किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायर्ड रहने वाला है। देन उसके बाद जब मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मुझे क्या क्या चीज़ें परचेज करना है, देन आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट देयर। एंड इस बार जो मुझे थिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं कुशन कवर्स, जो मेरा कलर थीम है उसके अकॉर्डिंग, देन आई नीड रग एज वेल, और मुझे काफ़ी बड़ा साइज का इस बार रग चाहिए, देन आई नीड सम पेंटिंग्स, उसके बाद मुझे फ्रेश ग्लास चाहिए, थ्रो चाहिए, सेंटर टेबल चाहिए एंड आई ऑल्सो नीड क्राफ्ट मटेरियल फॉर माई DIY। ऑल्दो इनमें से मेरे पास सेंटर टेबल ऑलरेडी है लेकिन उसको अभी मुझे असेंबल करना होगा बिकॉज वो मैंने स्टोरेज में रख दिया था। एंड सम कुशन कवर्स ऑल्सो आई हैव। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फर्नीचर प्लेसमेंट की तरफ।
हियर आई एम यूजिंग जस्ट वाइट एक्रेलिक कलर बिकॉज ये जो प्लग है ये बहुत रेड और एकदम बोल्ड सा प्रोमिनेंट सा दिख रहा है इस एरिया में. सो दैट्स वाई मैं इसको एक्रेलिक कलर से थोड़ा सा पेंट करूंगी एंड देन अगेन मैं बाकी की चीजें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूंगी. हेयर आई एम डूइंग सम लाइट कनेक्शंस इलेक्ट्रिसिटी वर्क. अगर आपको नहीं पता है तो इसको घर पे ट्राई मत करिएगा बिकॉज ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है एंड आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं इसको करवाने के लिए. ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे वॉल आर्ट, ये मैंने DIY किया है. दिस इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा टाइम लेता है बट इट्स वेरी सिंपल. मुझे इस वॉल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लगाऊं एंड क्या परफेक्ट जाएगा. तो आई वॉन्ट यू नो समथिंग वेरी सिंपल जो बहुत कॉस्टली नहीं हो. तो ये मैं 10-10 रुपए के जो वूलन वाले जो रोल्स आते हैं वो लेकर के आई थी रॉ एंड देन आई जस्ट मेड इट. मैं यहाँ पर क्लिपिंग डाल दूंगी किस तरह से मैंने इसको बनाया था. सो हेयर आई एम यूजिंग माई गरबा स्टिक्स. तो आजकल तो वैसे भी गरबा सब लोग हाथ से खेलते हैं तो ये डांडियों का कोई काम नहीं होता है. तो इसका जो भी डेकोरेशन है वो सब मैं बहुत आराम से इसको निकालूंगी एंड देन निकालने के बाद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा वो रहेगा जिस भी कलर के आप थीम बना रहे हैं उस कलर के आप वूल्स ले लीजिए एंड वूलन की इस तरह की वो आती हैं. आप किसी पे के भी ऊपर जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आपको ऐसे राउंड राउंड करके लगाना है और रोल अप करना है एंड देन उसको ध्यान से निकालने के बाद जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ वैसे करना है. ये बहुत ही सिंपल, आई थिंक बहुत सारे लोगों को आता ही होगा एंड काफ़ी ज़्यादा पिंटरेस्ट पे इस तरह के ना वूलन डेकोरेशन वॉल डेकोर के आइडियाज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी. एंड अपने अकॉर्डिंग आपको जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ ले लीजिए एंड नीचे से आपको इसको इक्वली कट करना है सो दैट वो नीचे से ना बहुत अच्छा सा इफेक्ट आए. तो मैंने काफ़ी सारे इसको बनाने में एक्चुअली में टाइम बहुत लगता है. ये लगता है कि बहुत सिंपल है, सिंपल है बट इट इज़ वेरी यू नो टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये. एंड देन आप इसको सेट कर लीजिए कैसे करना है एंड एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा इसको यू नो जैसे वॉल पे लगा करके ही रखिएगा, अदरवाइज वो बहुत ऊपर नीचे होता है. एंड या वेरी सिंपल हाँ, दैट्स इट. That's it for this DIY. Now coming to these bottles, ये जो bottles हैं ये मैंने paint किया है. ये glass की bottle है, इसमें मैंने glass paint नहीं किया है. अगर आप इन bottles के ऊपर glass paint करोगे तो वो काफी transient effect देगा, properly color नहीं आएगा. And अगर आप acrylic color भी try करोगे तो वो भी अच्छे से उठ करके नहीं आएगा. And oil paint बहुत ही glossy finish देता है but I don't want glossy finish. So what I tried is यहाँ पर मैंने chalk paint try किया है. Chalk paint की वजह से ये बहुत उठ करके आ रहा है एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है. तो इन दोनों बॉटल्स में मैंने चॉक पेंट किया है. अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये चॉक पेंट कर रही थी मुझे पता नहीं था ये कैसा आने वाला है उठ करके. आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने इसमें कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है बट ये वेरी सिंपल है. जस्ट पेंटेड इट लाइक अ नॉर्मल 2-3 कोट्स. ऑब्वियसली 2-3 कोट्स में रिक्वायर्ड था तो 2-3 कोट्स के बाद प्रॉपरली जो मुझे कलर चाहिए था वैसा कलर इसमें आ गया है. तो बस ये दो ही चीज जो है इस पूरे प्रोजेक्ट पे मैंने DIY करी है. बाकी सब DIY पूरा खुद पूरा लिविंग रूम मेकओवर इट्स DIY, मतलब डू इट योरसेल्फ सब कुछ मैंने ही किया है. बट हाँ जो मैंने बनाया है कुछ क्रिएटिविटी करी है वो इन्हीं दो चीजों में करी है, दैट्स इट.
टू द स्टफ जो मैंने शॉपिंग किया है, तो ऑनलाइन क्या किया है और ऑफलाइन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो कुशन कवर्स देख रहे हैं, ये मैंने पेपर प्राइस से परचेज किए हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल. क्वालिटी काफी इनकी हैवी है और ये हैंडमेड लग रहे हैं, तो मुझे अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था. ऑल्दो एक कुशन कवर ये 599 रुपीस का है, मतलब 600 रुपीस का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट जैसा मुझे चाहिए था मुझे ये वैसा मिला, इसलिए मैंने इसको परचेज किया. देन ये जो आप कुशन कवर्स देख रहे हैं, दिस ब्लू कुशन कवर्स, ये दोनों ये मैंने वेबसाइट से परचेज करे हैं. ऐसे मैंने चार परचेज किए थे, दो ये और दो यहाँ पर रखे हुए हैं. ये मुझे 499 में थे, मतलब 2000 रुपए के दो चार कुशन कवर्स मैं वेबसाइट से लेकर के आई थी. बाकी का जो भी आप देख रहे हैं ये कुछ भी मैंने परचेज नहीं किया, सब पहले का ही मेरे पास था. जो ये ऑरेंज वाले कुशन कवर्स हैं, ये मैंने अपने ऑरेंज वाले बेडरूम मेकओवर में जो यूज किया था ये वही है. और उसके बाद जब मैं भोपाल में होम टाउन से मैंने शॉपिंग किया था, ये वो वाला कुशन कवर है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल इस पूरे थीम के साथ मैच हो रहा है. उसके बाद उसके अलावा मैंने दो पेंटिंग्स है वो परचेस किया है. ये जो दो पेंटिंग्स मेरे पीछे देख रहे हैं ये मैंने होम सेंटर से परचेस करी है. ये एक पेंटिंग का कॉस्ट 1999 है, मतलब 2000 रुपए है, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 799 की मिल गई थी. तो ऐसी मैं तीन लेकर के आई हूँ, एक्चुअली दो यहाँ पर लगी हुई है और एक बेडरूम में मैंने लगाई है. मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यहाँ पर तीन लगाऊं, कैसे पैटर्न में लगाऊं, क्या लगाऊं. उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज प्लांट वाटरिंग कैन टाइप ऑफ, और ये मैंने परचेज किया था ऑनलाइन अमेज़न से, एंड आई थिंक ये अपने मैंने किसी ब्लॉग में शेयर भी किया था ये मैंने कहाँ से परचेज किया है. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसी से मैं पानी देती हूँ अपने प्लांट्स में. तो जब भी पानी देती हूँ उसको निकाल देती हूँ, बिकॉज मैं दो दिन में एक दिन पानी देती हूँ अपने प्लांट्स को. तो जब भी मैं यूज करती हूँ उसको तो मैं निकाल देती हूँ, और निकालने के बाद उसको वापस यहाँ रख देती हूँ. काफी ब्यूटीफुल सा पीस, शो पीस टाइप का लगता है. इसके नीचे वाला जो लैम्प है ये मैंने मार्केट 99 से लिया था. अगर आपने मेरा मार्केट 99 का हॉल नहीं देखा है तो आप वो चेक कर लीजिए, उसमें काफी सारे डेकोर आइटम्स जो है जो मैंने खरीदे हैं वो उसमें शो किए थे. उसके बाद ये जो आप फ्लावर वास देख रहे हैं ये भी मैंने मार्केट 99 से परचेस किया था, बहुत ही सस्ता मुझे मिला था. दिस इज जस्ट ऑफ रुपीज 199. नाउ कमिंग टू दीज टू जार्स, अगेन दिस इज फ्रॉम मार्केट 99. ये जो कैंडल है ये होम सेंटर से परचेस करी थी, और उसके पीछे जो आप बॉटल देख रहे हैं दैट इज ऑफ प्लास्टिक बॉटल. मेरा कजन आया था तो वो अपनी पानी की बॉटल यहाँ भूल गया था, एंड वो बिल्कुल मेरे कलर थीम में मैच कर रही थी, तो आई जस्ट यूज इट. नाउ कमिंग टू दिस रग, ये मैंने अमेजन से परचेस किया था एंड ये मैंने 1100 में परचेस किया था. तो जितना मुझे साइज चाहिए था ये प्रॉपरली उसी साइज के अकॉर्डिंग आई है. तो क्योंकि प्राइस वाइज ये काफी अच्छी है, 1100 रुपीज की है, मुझे ज्यादा थिक रग नहीं चाहिए था क्योंकि वो वॉश नहीं होता है, वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ऑल्दो ये मैं बोलूंगी कि एकदम नॉन स्लिपरी नहीं है, थोड़ा सा स्लिपरी होता है, मतलब अगर मैं जरा सा भी पैर ऐसे रख के ऐसे कर दूं तो ये स्लिप हो जाता है. सो बिकॉज इट्स वेरी बिग इन साइज तो उसका जो स्लिपरीनेस है वो पता नहीं चलता है, बट इट इज एक्चुअली स्लिपरी. अगर आप छोटा साइज ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली ये शिफ्ट होता है, स्लिप होता है, तो आई डोंट लाइक दैट स्लिपरी काइंड ऑफ अ रग. मेरा जो पुराना रग है जो काफी थिक रग है वो बिल्कुल स्लिप नहीं होता है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो वॉश भी नहीं हो पाता है. इसमें बेटर चीज ये है कि ये बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, इतना ज्यादा थिक नहीं है. इट्स लाइक अ दरी, जो पहले के टाइम पे दरी चलती थी ना वैसी थिकनेस वाली दरी टाइप है ये. आई वॉन्ट फॉर रग समथिंग प्रिंटेड, बिकॉज काफी सारा जो आप देखेंगे वॉल पे, कर्टन्स पे, जो मेरी सारी वॉल्स है वो बिल्कुल सॉलिड कलर्स में है. सो आई वॉन्ट समथिंग प्रिंटेड ताकि वो जो सॉलिड और प्रिंटेड का जो बैलेंस आउट कर दे, क्योंकि मेरी कोई भी वॉल आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन है, सब कुछ सिंपल है, हमने कुछ किया नहीं है वॉल्स में. सो यस, दैट इज द रीजन आई बॉट दिस काइंड ऑफ अ प्रिंटेड एंड एब्स्ट्रैक्ट रग, और मुझे एकदम परफेक्ट जो पैटर्न मुझे चाहिए था वैसे पैटर्न का मिल गया. आई लिंक इट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इफ इन एनी केस आपको ये परचेस करना हो तो. सो दिस इज अवर डाइनिंग टेबल जो हमने कन्वर्ट करके एक कंसोल टेबल में या फोल्डेबल डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया है. तो इस वॉल पर मैंने सिर्फ दो पेंटिंग्स लगाई है एंड यहाँ पर एक ट्रे रखी है, एक वास रखा हुआ है जिसमें ओरिजिनल फ्लावर्स हैं. दिस इज नॉट एक्चुअली अ वास, ये एक जग है, पानी का जग है जो मेरे पास ऑलरेडी था, और उसमें मैंने ऐसे ओरिजिनल फ्लावर्स लगाए हुए हैं. तो यहाँ से ये ऐसे ओपन करके इसका फ्लैप है, ये डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट हो जाता है रखा है. तो काफी सारा मिल चुका है. सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई होप यू रियली लाइक माय वीडियो. आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है, एंड आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा है, एंड इसमें से आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा था. एंड दैट्स इट. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.